गाइस यहाँ पर पोपट हो गया हम लोग के साथ। ये टायर इधर आ गया था और ये हैंडल इधर आ गया था। यहाँ पर जो जिसका खेत है वो बोल रहे थे हाथ से तोड़ लो, पर मेरा बस का बात नहीं है इसलिए उन्हीं से तोड़वाते हैं। ये देखिए गाइस, तो गाइस एक बार इधर देखिए, एक ही बार में तोड़ देते हैं, लोग का एक्सपीरियंस होता है। गाइस अभी हम लोग आराम कर रहे हैं रास्ते के इधर, और मुझे यहाँ एक अनसुनी बातें मेरे अंकल बताया। अगर आप लोग अगर मतलब असली वाला स्विमिंग पूल बनाने जाइएगा बहुत ही खर्चा आएगा, बट ये सस्ता वाला स्विमिंग पूल एक बार देखिए। आते हैं और सूरज मामा, वो देख कहाँ सूरज मामा, बस सूरज मामा तो दिख ही नहीं रहा है। हाय गाइस, हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। गाइस तो छोटू तुम कैसे हो? अच्छा गाइस मेरा छोटा भाई तो अच्छा है, आप लोग कैसे हैं प्लीज कमेंट में बता दीजिए। और गाइस हर बार की तरह ये भी ब्लॉग क्या होने वाला है? इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाला है। गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं तरबूज का खेत। गाइस रमजान के समय में इतना महंगा देते थे हम लोग, रमजान के समय में खाते थे और पेट भर के नहीं खा पाते थे, पेट भर के नहीं खा पाते थे ना, मजा नहीं आता। गाइस अब मजा करेंगे हम। अच्छा, क्या मजा करेगा? हाँ तो गाइस अभी हम लोग तरबूज का खेत जाने वाले हैं और हम लोग एक बोरी लेंगे। एक बोरी हम लोग खाएंगे पेट भर के। रमजान के समय में 40 रुपये केजी पड़ता था, मतलब एक केजी में बहुत कम पकड़ता था। रमजान के समय में रोजा मतलब इफ्तारी खोलते थे वक्त, तब खाते थे हम लोग। तो आज हम लोग एकदम पेट भर के खाने वाले हैं, खेत में भी खाने वाले हैं। तो गाइस फटाफट से चलते हैं तरबूज का कहाँ जाने वाला है? खेत। तो चलो गाइस खेत बिना किसी देरी के। तो गाइस अभी फिलहाल मैं पुल के बगल में हूँ। ये देखिए जब बाढ़ का समय था ना तो इस सब में इतना पानी था गाइस, क्या बताएं आप लोगों को। और मैं अभी साइकिल में बैठा हुआ और मेरा अंकल अभी साइकिल चला रहे। ये देखिए, तो गाइस अभी चलते हैं, अभी पुल में है। देखिए पहले ये धस रहा था, तब मैंने एक वीडियो मतलब बाढ़ के समय में तब मैंने एक वीडियो बनाया था, मतलब यहाँ धस रहा था। ये देखिए अब पत्थर दे दिया है पूरा, तो पहले पत्थर उत्थर नहीं था इसलिए धस रहा था। तो बहुत सारे वर्कर जो है वो लोग बचा रहे थे ये पुल को, और ये पुल वाला रास्ता है। अभी यहाँ से जा रहे हैं खेत, और गाइस यहाँ इस साइड देखिए कितना मस्त नजारा है। अभी मतलब मकई कट रहा है, और आप लोगों के लिए दो गो वीडियो अगर आप लोगों को देखना है, जैसा कि जब पुल जहाँ जब धस रहा था अगर देखना है ना, मैं शुरुआत में आया था यहाँ बनाने, तो ये इधर आई बटन है यहाँ क्लिक कीजिए। और गाइस ये जो मकई कट रहा है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों को देखना है तो फिर यहाँ आई बटन में क्लिक करें। तो गाइस मैं अभी मैं साइकिल से उतर चुका हूँ। ये देखिए, तो गाइस मैं अभी ये पुल में हूँ। ये देखिए देखिए पुल कितना खूबसूरत नजर आ रहा है ना, बहुत ही एक नंबर नजर आ रहा है, बहुत ही मजेदार है पुल। ये देखिए अभी पेंट वेंट कर रहा है, एक दो तो मैं अभी फोटो खींचूंगा यहाँ मैं और मेरा अंकल के साथ, तो एक दो फोटो खींचते हैं उसके बाद चलते हैं बिना किसी देरी के खाते हैं। और मेरा अंकल एक स्टंट करेंगे, आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है आप लोगों को दिखाते हैं। गाइस गाइस यहाँ पर पोपट हो गया हम लोग के साथ, हम लोग सोचे साइकिल को कुछ नहीं होगा, साइकिल नुकसान हो गया था। अभी ये टायर इधर आ गया था और ये हैंडल इधर आ गया था, तो गाइस मैं तो डर ही गया था अब कैसे जाऊं मैं, इसीलिए गाइस अभी एक दो फोटो खींचता हूँ बिना किसी देरी के चलते हैं। गाइस अभी हम लोग आराम कर रहे हैं रास्ते के इधर, और मुझे यहाँ एक अनसुनी बातें मेरे अंकल बताया कि उधर आप लोगों को दिखाते हैं एक रेल पटरी का जो पुल होता है ना उसी का, मतलब रेल पटरी का मतलब क्या बताएं आप लोगों, पुल का जो नीचे वाला खंबा होता है वही खंबा सब है। मैंने सोचा वो सब घर होगा किसी का, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मेरा अंकल बताया कि वहाँ ट्रेन का पुल था बहुत लंबा, अभी पुल को पूरा हटा दिया गया है। मुझे तो ये बात सुन के बिलीव नहीं हो रहा है कि हाँ यहाँ पुल था। गाइस एक बार देख लीजिए, तो गाइस अभी मैं इस जगह में आराम कर रहा हूँ बैठ के, इंस्टाग्राम पोस्ट डाल रहा हूँ मेरा अंकल का और मेरा, बहुत ही खतरनाक वाला इंस्टाग्राम पोस्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक ना मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पर। तो गाइस वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो गाइस अभी ट्रैक्टर जा रहा है, देखिए
तरबूज लेने के लिए। यहाँ जितना भी आप लोगों को ट्रैक्टर दिखेगा सब तरबूज चाहे खीरा पेड़ मिला हम लोगों को इससे बैठने के लिए। इससे आगे हम लोग गए ही नहीं, इसलिए नहीं गए, आगे कुछ कोई भी पेड़ ही नहीं दिख रहा गाइस जो वहाँ आराम करे। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी कम से कम 5 मिनट आराम करते हैं उसके बाद चलते हैं खेत। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं खेत पर, वहाँ पर आराम करके एक बार देखिए कितना पूरा रेगिस्तान की तरह ही है। यहाँ का मिट्टी भी वो बालू मिट्टी की तरह है ये देखिए। और यहाँ ट्रैक्टर में मतलब तरबूज को लोड किया जा रहा है ये देखिए। आइए आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए गाइस अभी आधा ट्रेलर मतलब हो चुका है लोड, अभी पूरा ये सब इधर देखिए पहले उधर कितना। ये देखिए गाइस एक बार दूर दूर तक देखिए पूरा तरबूज ही तरबूज नजर आएगा आप लोगों को, एक बार देखिए गाइस। तो चलिए हम लोग भी तोड़ते हैं तरबूज। ये देखिए लोग उन लोगों का पेड़ तरबूज का देखिए कैसा है। तो देखिए जमीन में होता है ये बालू मिट्टी में और रेगिस्तान इलाका में ये देखिए इतना बड़ा बड़ा आलू हो चुका है। तो हम लोग भी फटाफट से एक बोरा लेते हैं। तो इधर देखिए कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। और ये चाइना और मतलब काला वाला है, वो नीला वाला वो नहीं लेंगे क्योंकि वो मीठा नहीं होता। ज्यादातर हम लोग जब मार्केट में लेकर आते थे वो वाला मीठा नहीं होता था, इसलिए हम लोग काला वाला लेंगे। तो फटाफट से हम लोग लेते हैं। तो गाइस मुझे तोड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ये जो यहाँ पर जो जिसका खेत है वो बोल रहे थे हाथ से तोड़ लो, पर मेरा बस का बात नहीं है इसलिए उन्हीं से तोड़वाते हैं। ये देखिए गाइस उन लोगों का एक्सपीरियंस है, उन लोगों का खेत है, हर साल हर समय यहाँ आते रहते हैं इसलिए उन लोगों को देते हैं तोड़वाने। ये देखिए तो गाइस एक बार इधर देखिए, एक ही बार में तोड़ देते हैं, इन लोग का एक्सपीरियंस होता है ये देखिए। और लाल भी निकल चुका है, मैंने आप लोगों को बताया था वो लोग लाल नहीं होता, वो सब ज्यादातर सफेद ही निकलता है और ये सब लाल। ये देखिए इसको टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस बहुत ही मीठा है, तो गाइस मेरे अंकल को भी देते हैं और मैं भी इसको फिनिश करता हूँ। चलो खेत का सस्ता स्विमिंग पूल, अगर आप लोग अगर मतलब असली वाला स्विमिंग पूल बनाने जाइएगा बहुत ही खर्चा आएगा, बट ये सस्ता वाला स्विमिंग पूल एक बार देखिए। खेत में पानी पटाने के लिए बिना पानी का कोई भी चीज हम लोगों की दुनिया में सकता और वो सब निकल भी नहीं सकता। पेड़ पौधा पानी के बगैर पेड़ पौधा अधूरा है, इसलिए यहाँ पर पानी के लिए प्लास्टिक से देखिए प्लास्टिक से पानी रखा गया ताकि ना सूखे। तो इधर देख लीजिए इस पाइप से पानी को पटाया जाता है पूरा खेत में, एक बार देख लीजिए। मैं जब भी आऊंगा इस जगह तो मैं भूलूंगा नहीं, क्योंकि खेत में स्विमिंग पूल मैंने फर्स्ट टाइम देखा। मैं ज्यादातर गांव में रहता हूं और मैं खेत कभी नहीं आता हूं, इसलिए मैं वीडियो जब से मैंने बनाना शुरू किया हूं तब से मैं ये सब जगह खेत मतलब आ रहा हूं मैं। तो गाइस ये जगह तो नहीं भूलेंगे। तो चलिए और आगे आप लोगों को बहुत ही अच्छा सा नजारा दिखाते हैं। और सूरज मामा वो देख कहाँ, सूरज मामा गाइस सूरज मामा तो दिख ही नहीं रहा है, क्या बोले गाइस उधर हमको लग रहा है उधर सूरज मामा होगा, एक बार उधर देखिए गाइस बादल जो है सूरज मामा को ढके हैं। बादल सूरज मामा है तो बादल क्या होगा, मामी तो नहीं। तो गाइस बादल मतलब मजाक से हटके गाइस बादल मतलब सूरज को ढका हुआ है इसीलिए यहाँ पर छाया है और बहुत ही अच्छा लग रहा। इतना देर में यहाँ रुक नहीं सकता था जब यहाँ धूप था, तो अभी छाया है इसलिए मैं रुका हुआ हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। तो एक बार अच्छे से पूरा नजारा देख लीजिए पूरा। बाय द वे वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज गाइस
इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आप लोगों से वादा है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जगह का मैं वीडियो ला पाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोगों से छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए एंड लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले और किसी नए टॉपिक के साथ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।